एवरीवन सफर आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब इसकी स्टेटमेंट को हमें अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है, सिंपल सा है, तो बट इसकी स्टेटमेंट को मुझे अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन आसान है लेकिन जो गिवन है उसको निकालना है, बस वो थोड़ा सा मुश्किल है। अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो, अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला है गिवन में इसने कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, साइड इस एंगल की साइड ए बी लिया इसने, बी सी लिया इसने और मीडियन ए डी लिया है इसने। ठीक है, आप पहले हमें बताना चाहिए कि मीडियन क्या होता है। ठीक है, मीडियन क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक ट्रायंगल है, मेरे पास अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, तो और एक साइड के अगर मिड पॉइंट को मैं ज्वाइन करता हूं अपोजिट वर्टेक्स से, ठीक है, यानी अपोजिट वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करूं जो कि क्या करे, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करे, तो उसको हम बोलते हैं मीडियन। वो क्या होता है, मेरा मीडियन होता है। ठीक है, अभी ध्यान रखना मीडियन ऑल्टीट्यूड दोनों ही वर्टेक्स से आते हैं। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ले लो, मीडियन लो या फिर एल्टीट्यूड ऑल्टीट्यूड्स लो, ये तीनों क्या होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स से होते हैं। अगर ये वर्टेक्स से नहीं है तो आप उसको मीडियन नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर सकता हूं, बट दिस इज नॉट मीडियन। ठीक है, यानी अपोजिट वर्टेक्स से जो सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता हूं उसको हम बोलते हैं मीडियन। यानी मीडियन की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो जो है अपोजिट वर्टेक्स से जो लाइन आएगी वो क्या करेगी, सामने वाली साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। यानी ये वाला जो पार्ट होगा वो इसके इक्वल होगा, यानी ये 2 है तो ये भी मेरा क्या होगा 2, ये 4 है तो ये भी मेरा क्या होगा 4, यानी सामने वाले पार्ट जो लाइन है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। ये ध्यान रखना, ये काम होता है मीडियन का। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी, इसका मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। अब फिर आता है कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, यानी एक ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी सी की मेरी, ठीक है, और दूसरी ट्रायंगल इस प्रोपोर्शनल समझते पहले आगे बढ़ता हूं मैं, टू साइड पी क्यू, साइड पी क्यू एंड क्यू आर एंड मीडियन पी एम, इसका मीडियन पी एम ये है। यानी ए इसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एल डी जी ए बी इसको क्या कर रहा है, ए डी जो है इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। यानी बी डी इज इक्वल टू बी सी है मेरा, यहाँ पे क्यू एम इज इक्वल टू एम आर, मीडियम ट्रायंगल मीडियम पीएम ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, यानी दो ट्रायंगल्स की बात हो रही है, पहली एबीसी की दूसरी पीक्यूआर की। मैं लिख देता हूं कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, इन दो ट्रायंगल्स की मेरे पास बात हो रही है। ठीक है, इसमें क्या क्या है, प्रोपोर्शनल का साइन कहां यूज करते हैं, प्रोपोर्शनल का साइन हम वहां यूज करते हैं जहां पे दो रेशियोस, यानी प्रोपोर्शनल एक तरह का इक्वल टू का साइन है। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, ये तो मैंने सिंपली दो चीजों के बोला तो इक्वल हो गया, लेकिन जब हम कंपैरिजन करते हैं तो रेशियो का यूज करते हैं। यानी मैं अगर बोलूं कि x by a is equal to y by b, ये मेरे पास चार वेरिएबल्स हैं, ठीक है, तो यहां जो इक्वल टू का साइन है वो क्या क्या काम करता है, प्रोपोर्शनल। यानी मैं इसको बोल सकता हूं कि x रेशियो a प्रोपोर्शनल टू y रेशियो b, यानी मैं बोल सकता हूं, और प्रोपोर्शनल की जगह आप क्या कर सकते हो, इक्वल टू का साइन भी यूज कर सकते हो। यानी जब दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो रहा होता है उनको जब हमें इक्वेट करना होता है तब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनल बोलते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बोला कि साइड ए बी एंड बी सी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी जो है ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल मतलब पहली पहले के साथ, दूसरी लाइन दूसरे के साथ, और मीडियन क्या होगा, मीडियन के साथ होगा, पहले पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ होगा। तो साइड ए बी बी सी एंड ए डी आर प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल तो तब होगी जब मैं क्या करूं, रेशियो, यानी रेशियो किसके साथ, ए बी का रेशियो पी क्यू के साथ इक्वल होगा, किसका, बी सी का रेशियो सेकंड इज क्यू आर के साथ इक्वल होगा, ए डी, ए डी का रेशियो कौन सा, पी एम के साथ। ये मुझे गिवन है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं, 14 में भी सेम स्टेटमेंट होगी, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, थोड़ा सा चेंज होगा उसमें भी। ठीक है, ये आसान है, तो ध्यान रखना क्या बोला इसने, ए बी बी सी और मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल है किस किसके, साइड पी क्यू, क्यू आर एंड मीडियन पी एम। जहां पे ये प्रोपोर्शनल वर्ड आ जाए ना तो समझ लो कि कुछ रेशियो की बात हो रही है,
उस एक या दो रेशियो को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ, इक्वल कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट रेशियो हो गया, सेकंड ये हो गया, एंड थर्ड दिस वन, ठीक है। और इन तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेट कर रहा हूँ, तो पर्पस की बात हो रही है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और कई बार अगर पूरी चीज समझ में नहीं आती तो एक चीज ध्यान रखो कि जब भी हम सिमिलर ट्रायंगल्स करते हैं तो ये तो एक ट्रायंगल है, ये दूसरी ट्रायंगल है, तो इन दोनों के बीच में ही रेशियो होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ए बी का किसके साथ कर दो, पहली के साथ, रिस्पेक्टिवली, मतलब पहली का पहली के साथ कर दो, बी सी का क्यू आर के साथ कर दो, और ए डी का पी एम के साथ कर दो, तीनों चीजें मुझे मिल जाएगी। सिंपल है, ये मेरा है गिवन, जो सबसे टफ काम था वो हमने कर लिया, अब आसान काम बचता है टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाली जो ट्रायंगल है, पूरी बड़ी ट्रायंगल जो है, इस क्या है, सिमिलर होगी ट्रायंगल पी क्यू आर के, पूरी बड़ी ट्रायंगल के सिमिलर होगी, ये मुझे प्रूव करना है। अब चलते हैं प्रूफ, ठीक है। अब देखो यहां से मेरे पास इसकी ए बी है, ये साइड बी सी है, ए बी है बी सी, या तो मैं बीच का एंगल फाइंड आउट कर दूं तो साइड एंगल साइड से हो जाएगा, या तीसरी साइड में इक्वल कर दूं तो साइड 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 से हो जाएगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। तो अब कौन सा ऑप्शन यूज करना है। अब एक चीज और हमने गिवन में नहीं लिखी, क्या नहीं लिखा, कि द ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ये लिखना भी उतना ही जरूरी है क्योंकि इसका यूज भी होगा, तो मैं इसको रब करके यहां लिख देता हूं इसको, ए डी एंड पी एम आर मीडियंस, ठीक है। मीडियम से मतलब ये सामने वाले साइड को क्या करते हैं, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्रूफ में चलते हैं, प्रूफ में क्या है हमारे पास, पहले हम क्या करेंगे कि छोटी ट्रायंगल लेते हैं, ये वाली और ये वाली, यानी ट्रायंगल ए बी डी और पी क्यू एम लेते हैं, यानी इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी डी एंड पी क्यू एम, छोटी छोटी ट्रायंगल हमने ले ली, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो क्या है हमारे पास, ठीक है। एज इट इज जो गिवन है मैं नीचे लेके आता हूं, दिस इज ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी आर, ठीक है। ये मुझे क्या है, गिवन है, ठीक है, ये मुझे क्या है, गिवन है। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो, ए बी, हाँ ये तो ठीक है, पी क्यू यहाँ पे ये भी ठीक है, बी सी ठीक नहीं है, क्यू आर ठीक नहीं है, दोनों ट्रायंगल में नहीं है, ए डी बिल्कुल है, पी एम यहाँ से पी एम बिल्कुल है, यानी मुझे इसको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, दो साइड में इसलिए मुझे मुझे इसकी ए बी डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की पी क्यू, इस ट्रायंगल की ए डी डिवाइड बाय इस ट्रायंगल की पी एम। तो अगर मैं कर दूं कि बी डी डिवाइड बाय क्यू एम लिख दूं तो मेरा काम क्या हो जाएगा, हो जाएगा इजीली, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूं, क्या मैं लिख सकता हूं कि बी सी इज इक्वल टू, जो बी सी है इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी होगा, ये सुनो, बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी होगा कि नहीं होगा। देखो मैंने बोला कि ए डी मेरा मीडियन है, ए डी मीडियन मतलब इसको वो क्या करता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी अगर ये वन है तो ये भी वन होगा, ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स होगा, ठीक है, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं अगर BC यहां से निकालना चाहूं, ठीक है, BC निकालूंगा तो क्या बोलूंगा मैं इसको, x plus x, yes or no, यानी BC is equal to क्या हो जाएगा, twice of x, और x की वैल्यू क्या है, क्या मैं x की जगह यहां पे 2BD लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्या मैं x की जगह 2CD भी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ट्रायंगल में BD चाहिए, तो क्या मैं BC को 2BD लिख सकता हूं, हां लिख सकता हूं, रीजन क्या देंगे, एंड दूसरा इसमें भी लिख देते हैं, QR is equal to क्या लिख सकता हूं मैं, twice of QR is twice of QM, QR is twice of QM, ठीक है, same reason, ये मेरा क्या है, line है, ये मेरा median है, तो ये इसको क्या करेगा, दो equal parts में divide करेगा, equal से मतलब ये अगर one है, ये अगर one है, तो total कितनी हो जाएगी, two, ठीक है, यही मैंने किया है, यानी मैं total को क्या लिख सकता हूँ, twice of any, ठीक है, मेरे पास एक इसको मैंने ब्रिक कर दिया, ये आधा है, ये आधा है, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा, यानी मैं बोल सकता हूं कि ये x है, ये भी x है, तो पूरा क्या हो जाएगा, twice of x, इसका डबल हो जाएगा। तो एवरी चीज मैंने लिख दिया, qr is twice of qm, चाहे मैं इसका लिख दूं या इसका लिख दूं, लेकिन मुझे ये चाहिए तो मैं इसी का लिखूंगा,
ठीक है, जो मुझे चाहिए उसको लिखू। रीजन क्या दोगे? रीजन हम ये देंगे कि एडी एंड पीएम आर मीडियंस, हो गया एडी एंड पीडी आर मीडियंस। अब इनकी वैल्यू क्या कर देता हूं मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो देयर फोर हम क्या बोलेंगे, देयर फोर ए बी डिवाइड बाई बी क्यू एवरेज रहेगा इज इक्वल टू बी सी की जगह क्या लिखता हूं टू बी डी, और इसकी जगह लिखता हूं टू क्यू एम इज इक्वल टू, यहां पे मैं लिख सकता हूं क्या बचा मेरे पास ए डी डिवाइड बाय पी एम, इस टू से ये टू कैंसिल आउट होगा, क्या बचा मेरे पास ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम। ठीक है, दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास, उन दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स का रेशियो क्या है, सेम है, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी डी डिवाइड बाय क्यू एम इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम, तीनों साइड्स का रेशियो तीनों के इक्वल, देयरफॉर मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। ठीक है, हो गया फर्स्ट। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स मेरी क्या है, सिमिलर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल बी जो है मेरा एंगल क्यू के इक्वल होगा, देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बाय सी पी एस टी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब मुझे फाइनली जो करना है वो निकालना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि ए बी सी इज सिमिलर टू पी क्यू आर, इन्हीं ट्रायंगल को लेता हूं कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्रायंगल से देखो, एक तो मैंने बोल दिया कि एंगल बी जो क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, जस्ट प्रूव मेरा, मैंने इसको क्या कर रखा है, प्रूव कर रखा है। और क्या है मेरे पास, ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, ये मुझे गिवन है, तो मैं जो मुझे ये उठा लेता हूँ, इसकी मुझे जरूरत नहीं है लिखने की, मैं दो चीजें लिख लेता हूँ, एज इट इज ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर, ये मुझे क्या है, गिवन है। देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास दो ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, और उनका एक एंगल बी इज इक्वल टू क्यू, और इस एंगल को बनाने वाली दोनों साइड्स क्या है मेरी, सेम रेशियो में है। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी, सिमिलर होंगी बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, सिमिलर बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, दिस इज हेंस टू। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी था बट इजी था, और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें, क्वेश्चन नंबर 12 फिर 14 करेंगे हम, वो भी इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो सिंपल था, एक बार फिर से देख लेते हैं हम, स्टार्टिंग में इसने बोला कि दो ट्रायंगल्स हैं मेरे पास ए बी सी और पी क्यू आर, और इसकी जो साइड है ए बी डिवाइड बाय पी क्यू इज इक्वल टू बी सी डिवाइड बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइड बाय पी एम, ये मुझे गिवन है। ठीक है, मुझे प्रूव करना है कि पूरी बड़ी ट्रायंगल की क्या होगी, सिमिलर होगी। तो फर्स्ट हमने क्या किया, ये छोटी ट्रायंगल ही, इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या किया मैंने, सिमिलर प्रूव किया। कैसे किया, ये पार्ट एज इट इज उठाया मैंने, और ये बोला कि एडी मीडियन है, इसका मैंने यूज किया, इस बीडी को मैं ट्वाइस ऑफ बीसी लिख सकता हूं, एज इट इज क्यूएम को क्यू आर को मैं ट्वाइस ऑफ क्यूएम लिख सकता हूं, दोनों को मैंने यहां पे लिख दिया, टू से टू कैंसिल आउट, तो मेरी क्या होगी, तीनों साइड क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स की, तो मेरी दोनों ट्रायंगल्स छोटे वाले ट्रायंगल्स क्या हो गई, सिमिलर हो गई। अगर छोटे ट्रायंगल सिमिलर, तो एंगल बी मेरा क्या हो गया, क्यू के इक्वल हो गया बाय सीपीएसटी, और बी क्यू के इक्वल है, बाकी दोनों साइड्स का रेशियो मुझे गिवन है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल्स मेरी क्या हो गई, सिमिलर हो गई। ठीक है, सिंपल था, ओके, थैंक यू।